उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच जरवल में ग्रामीणों का आरोप था कि ग्राम प्रधान प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 रुपये लेता है। जब हमारी टीम ने गांव में जाकर ग्रामीणों और प्रधान से बात की तो सामने आया कि वाकई में ग्रामीणों का आरोप सही था। ग्राम प्रधान ने रिश्वत लेने की बात अपने बयान में स्वीकार की है। वहीं देखा जाए तो यूपी की सरकार घूस लेने और देने में दोनों के खिलाफ कार्रवाई करती है। अब देखना यह है कि इस पर सरकार को क्या कार्रवाई रहेगी। नन्हा सिंह, किस ग्राम पंचायत में आप रहते हैं? गांव का क्या नाम है आपके? गांव का नाम इस समय थान है। ये मजरा है? हाँ। मेन गांव कौन है? बड़ा गांव भी यहाँ से अक्के लागत है। बड़ा गांव पूरा कर लेंगे। अच्छा, हाँ। ये जो आपको आवास प्राप्त हुआ है, जो घर बना है आपका आवास से? हाँ। कितने रुपये आपको मिला था? हमका 1,00,000 रुपये मिला। 1,00,000, लेकिन 20,000, 1,20,000 आते हैं। प्रधान ले लिया। कितना प्रधान ने लिया? 20,000 प्रधान ने लिया। हाँ। आपने ये नहीं कहा प्रधान से 20,000 प्रधान जी आप क्यों ले रहे हैं? वो ले लेन हुआ, अपने बोते हैं हुआ। तो ये नहीं बताएं हम इसलिए ले रहे हैं आपसे 20,000 रुपये? सबसे ले हैं, हमें से नहीं लेगा। जितने भी आवाज बने सब लोगों से 20,000 रुपये प्रधान ने लिया है। जी आपका नाम? नन्हा सिंह। अच्छा, नन्हा सिंह। प्रधान का नाम बता सकते हैं आप? खानदान क्या है उनको? जो छप्पर में तब्दील हैं, काफ़ी दिनों से छप्पर में रहते हैं, उनको आज तक आवास नहीं। वो बता रहे हैं कि हम उन प्रधान से कहें, लेकिन प्रधान ने कहा अभी बजट हमारे पास नहीं है, बजट आएगी तो हम आपको आवास देंगे। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में है कि जो सन 2011 में जी जो जनगणना हुआ था जी, उसमें जिसका सूची में नाम आया जी, उससे उसी आवास को हम बनवा सके जी। और क्या है समस्या? समस्या ये है, हमारा नाम तो सदरी है, हमारे बैठे छोड़ ठिकाना नहीं है। जो कोई पावत है तो तहेज मिलत है, वही मिलत है, और हमका सबका कोनो वहाँ सुनवाई नहीं है। क्या नहीं मिलता आपको? अरे न कॉलोनी मिले, न लेटरिन मिले, गल्ला मिलता है, वहाँ चला गया कोटा, वहाँ प्रधान लोग कटा। कौन सा गांव पंचायत है आपका? करनई मौजा है। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? केशव। उनके प्रधान तो उनके बाप हैं, उनके प्रधानी लड़का करते हैं। कैसे? और क्या है समस्या आपकी? मायावती नाम। क्या समस्या है आपकी? हमारा भैया ना घर ना कुरिया ना रहक ठक जगह ना कहूँ बैठक जगह, क्योंकि कहाँ हमारे लड़के बच्चे पहुड़े बैठे हैं, कहाँ हम रही ना हमारे खेत ना पात। आप इस पल्ली में कितने दिन से रह रही हैं? 1 साल हो गया, 1.5 साल छप्पर गुजर गया तो पल्ली हो गई भैया, पल्ली तान तान गुजर बसर करी था। राशन की क्या है समस्या? जो आपका राशन कार्ड, राशन नहीं प्राप्त होता आप? राशन कार्ड हमारे बना रहा, लाल कार्ड भैया लाभ नहीं दिए थे जब से राशन कार्ड इनका प्रधानी भाई भैया, तब से हमारे चला गया गल्ला, कुछ नहीं पाई थे। तो जो कार्ड था आपका, कार्ड कहाँ पे है? प्रधान ने गायब कर दी। प्रधान ने कार्ड ले लिया इसके बाद? तो आपने प्रधान से नहीं कहा कि हमारा कार्ड दे दे? कहा। तो प्रधान ने क्या कहा? कहें कि बहराइच जाए करिए, बहराइच से बनवा करिए, आज तक 2-3 साल हो गए बनते हैं। प्रधान का रवैया कैसे है जनता के साथ? उनका जनता के साथ ठीक नहीं। आशा है भैया कि कुछ, एक तो जात के हरजन है। तो जात वात तो नहीं करते हैं सर? हाँ, जात पात तो करते हैं, अपने हरजन बिरादरी को देते हैं और सबको। हाँ। नहीं देते हैं। हाँ। अपन गांव में है भैया, सब कालीनी और लाइटरिंग सब कुछ बनवा लेन भैया, हमका सबका कुछ नहीं दिया था। तो यानी कि जातिवाद कर रहे हैं? हाँ। हमका सबका भैया ये ग्राम पंचायत का क्या नाम है? ग्राम पंचायत। गांव का नाम? गांव का नाम तो करनई मौजा है। अच्छा अच्छा विकास खंड ब्लॉक ब्लॉक जो कस्बा है, जनपद बहराइच। बहराइच किस ग्राम पंचायत के प्रधान है? करनई ग्राम पंचायत। विकास खंड जनपद बहराइच। प्रधान जी आपका विकास कार्य कैसा है? विकास कार्य अच्छा है भैया जी। कितने आवाज बने? हमारा अंदाजा है तो 50। जैसा कि 50 आवास आप बनवाए, मैं आपके ग्राम पंचायत में गया तो लाभार्थियों से ये जानकारी ली कि आपका आवास जो बना है उसका मैंने पूछा, तो लाभार्थियों ने बताया कि हमसे प्रति आवास पे प्रधान जी ने 20,000 रुपये लिए जी। इसके संबंध में आप क्या क्या है पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। तो आप पूछ लीजिए जी। हम तो पूछें आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आप भारतीय से ही पूछ लीजिए। लाभार्थी से मैं पूछ के आया हूँ प्रधान जी। आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो इसके विषय में हम जो लाभार्थी ने बताया जो आपसे
और सही बताया कि गलत बताया इसके जी। तो वही मैं आपसे इसका सत्यापन करना चाहता हूँ कि लाभार्थी ने बताया 20,000 रुपये, तो आप क्या बता रहे हैं, आप लिए ना लिए हैं ये बताएं आप। ले तो जो सब कहूँ तो उसके विषय में आप तो जाना जाता है, तो ही आप अपने विषय में बताएं, दुनिया अलग की। हाँ तो लिए हैं जैसे सबको लिए। अच्छा अच्छा 20,000 रुपये आप लिए हैं प्रति आवास में, ये कोई खर्चा लगता है? अच्छा नहीं, अब आगे के लिए या उससे लिए लाभार्थी आपसे बताया है कि हमने 20,000 दिया है? हाँ लाभार्थी ने स्वयं बताया। ठीक है, जो बताया है तो लाभार्थी ने बताया है तो आपसे। और ऐसा भी है जैसे कि